नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल RS, जिसको कि स्ट्रीट का किंग कहा जाता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस किंग का किताब जो इसे दिया गया है वो असल में इस किताब के लायक है कि नहीं। अब ये एक बिल्कुल नई बाइक नहीं है, इसका चैसी, इसका इंजन और बाकी के जो साइकिल पार्ट्स और मैकेनिक्स है ये बिल्कुल बिल्कुल सेम पहली बाइक जैसी है। इसमें थोड़ा सा किट एक्स्ट्रा लगा दिया है ट्रायम्फ ने, थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर कर दिए हैं, जिसके वजह से ये अब और भी बेहतर बाइक बन के सामने आ रही है और इस मिडिल वेट सेगमेंट में एक बहुत ही अच्छा विकल्प बन जाती है आपको खरीदने के लिए। अभी इसकी डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो इसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। सामने की अगर बात की जाए तो ये आपको ट्विन LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो कि जिसे बग आई हेडलैम्प्स भी कहा जाता है। इनके ब्रो पे आपको LED DRL दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। हालांकि डिज़ाइन में ज़्यादा बदलाव नहीं है, आपको एस्थेटिक अपील को बेटर करने के लिए यहाँ पे पेंट स्कीम चेंज कर दी है। आपको नियॉन ग्रीन और सिल्वर में आपको यहाँ पे जो पेंट स्कीम दिखाई दे रही है काफ़ी डिसेंट लगती है। बट ये जो बाइक ब्लैक कलर में दी है उसकी वजह से ये थोड़ी छोटी लगती है अपनी, मतलब बिग बाइक फील जो जिसे कहते हैं वो इससे एटलीस्ट डिज़ाइन एस्पेक्ट में दिखाई नहीं पड़ता है। सो अब ये जो LED हेडलैम्प्स है ये अभी थोड़े राउंडेड है, पहले थोड़े ब्रॉड और शार्प आते थे, बट अभी इसको थोड़ा राउंडेड डिज़ाइन दिया गया है। और ये जो फ्लाई स्क्रीन है ये भी नया है। अभी हालांकि ये फ्लाई स्क्रीन इतना उपयोगी नहीं है जब आप हाई स्पीड पे राइड कर रहे हो। अगर आप 110-120 की गति से बाइक चला रहे हो आपको बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट मिलेगा आपके चेहरे पे, और आपने अगर हेलमेट भी पहना है तो आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट ज़रूर महसूस होगी। और ये तो नेचर ही है स्ट्रीट फाइटर बाइक्स का, इसमें आपको बड़ी फ्लाई स्क्रीन नहीं मिलती है, आप उसको लगवा सकते हैं अलग से। आपको हैंडल बार में ये नया बार एंड मिरर दिया गया है जो काफ़ी वाइड है और आपको एक बेहतर लुक देता है जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही है उनका। उसके अलावा आपको एक नया बेली पैन भी दिया है जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन ऑफर करती है इंजन के लिए। इंजन की अगर बात की जाए ये असली में आपको बिग बाइक फील देगा, क्योंकि ये है 765 cc का इनलाइन 3 और लिक्विड कूल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 121 BHP की पावर 11,950 RPM पे, और इसका टॉर्क है 79 न्यूटन मीटर जो कि आता है 7,350 RPM पे। अगर इस इंजन की बात मैं करूँ तो ये बहुत ही रिफाइंड बाइक है और मेरे हिसाब से इसी कारण इसको किंग का खिताब दिया गया है, क्योंकि ये इंजन ना कि बहुत पावरफुल है, ये बहुत ही रिफाइंड भी है। अगर उदाहरणतः मैं कहूँ तो आप इसको छठे गियर पे 50 जितनी कम स्पीड पे चला सकते हैं शहर के अंदर और आपको कोई भी नॉकिंग या कोई भी वाइब्रेशंस महसूस नहीं होंगे। वाइब्रेशंस की बात करूँ तो अप टू 9,000-10,000 RPM पे ये बाइक कोई भी वाइब्रेशन नहीं देती है, आपको कुछ भी फील नहीं होगा हैंडल बार पे, फुट पेग्स में या सीट पे। ये इतनी स्मूथ बाइक है और इसका इंजन बहुत ही रिफाइंड है। और जैसे कि मैं डिज़ाइन के बारे में कह रहा था, बिग बाइक फील नहीं देती है। जब आप रास्ते पे चल रहे हो लोग इसको मुड़ के नहीं देखेंगे, इसकी डिज़ाइन के लिए नहीं देखेंगे, बट इसकी जो आवाज़ है, इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है, इसके लिए ज़रूर लोग मुड़ के देखेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बाइक साउंड कैसे करती है। तो ये था इसका एग्जॉस्ट नोट। हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और इसके अलावा दूसरी कोई बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट क्या इससे बेहतर है ये भी हमें ज़रूर बताइए। और इस एग्जॉस्ट नोट को सुन के लोग ज़रूर आपके तरफ मुड़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी बाइक आ रही है और कौन सी बाइक अभी अभी पास हुई हमारे सामने से। अब ये बाइक चलती है 17-inch अलॉय व्हील्स पे आगे और पीछे भी। सामने आपको मिल जाते हैं 120x70 सेक्शन के फ्रंट टायर्स जो कि पिरेली के सुपर कोर्सा टायर है। पीछे भी आपको पिरेली सुपर कोर्सा मिलता है, बट इसका जो डायमेंशंस है ये 120x55 सेक्शन का टायर है। ये दोनों टायर जो है अपनी श्रेणी में एक उच्च दर्जे के टायर है और ये आपको बहुत ही अच्छा ग्रिप प्रदान करती है रास्ते पर भी
ट्रैक पे भी ये बहुत अच्छी ग्रिप प्रदान करेंगे, और ख़ास करके कॉर्नर्स में, जिसके लिए ये बाइक बनी है, जब आप कॉर्नरिंग करते हैं, जब इस बाइक को टिप करेंगे नीचे और तो कॉर्नर से जब आप तेज़ बाहर निकलते हैं, तभी इनका ग्रिप बहुत ही काम आता है और आपको बहुत कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंस देती है आपको कॉर्नर्स टैकल करने के लिए, और कभी भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बाइक गिरने वाली है। जब भी आप बाइक तेज़ी से चला रहे हो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बाइक जल्दी से रोकनी भी आनी चाहिए, और उसके लिए मदद करते हैं आपको ये 320mm के ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक्स, जो कि 4-piston कैलिपर ट्विन डिस्क ब्रेक्स है जो आपको आगे की टायर पे मिलते हैं, और इनका बाइट, इनिशियल बाइट जो है वो बहुत ही अच्छा है, और आपको इमीडिएटली ये बाइक कितने भी गति से आप आ रहे हो, आपको स्टॉपिंग पावर जो जिसे कहते हैं ये बहुत अच्छा मिलेगा इन फ्रंट ब्रेक्स के रहते। और पीछे की ब्रेक की बात करें तो आपको 220mm का ब्रेम्बो ब्रेक मिलता है, और ये एक सिंगल कैलिपर डिस्क ब्रेक है। सस्पेंशन की बात की जाए तो आगे आपको जो ट्विन सस्पेंशन दिया गया है वो है शोवा का 41mm अपसाइड डाउन फोर्क्स। इसमें आपको एडजस्टेबल कंप्रेशन, रीबाउंड और डैम्पिंग मिलता है, और पीछे की तरफ आपको मिलते हैं ओलेंस के STX40 जो कि फुल्ली एडजस्टेबल विथ पिगी बैग रिजर्वायर उपलब्ध है। अभी इसकी राइड और हैंडलिंग की अगर बात की जाए तो जो इसका स्टॉक सेटिंग है सस्पेंशन का, इसमें ये बहुत ही स्टिफ सस्पेंशन सेटअप है, और जब भी आप सड़क पर चल रहे हो छोटे से छोटा गड्ढा भी अगर आपके रास्ते में आता है आप उसको महसूस करेंगे, हैंडल बार पे भी और आपकी बैक पे भी ये महसूस ज़रूर होगा, और ये बहुत ही अच्छा कम्फर्टेबल फीलिंग नहीं है। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप ये बाइक ख़रीद रहे हैं तो इसको अपने लोएस्ट सेटिंग पे सेट कर दीजिएगा, जिससे ये और भी सॉफ्ट हो जाता है अगर आप ज़्यादातर सिटी में राइड करने वाले हैं, और अगर आप हाईवे राइडिंग करने के लिए ये जो स्टॉक सेटिंग है ये बहुत ही प्यारा स्टॉक सेटिंग है, और जब भी आप हाईवे पे चल रहे हो खुली सड़कों पे जहाँ पे गड्ढे नहीं हैं बहुत ही अच्छे से चलती है। सीटिंग कंफर्ट की अगर बात की जाए तो आपको 825mm की सीट हाइट यहाँ पे मिलती है, और मेरी हाइट जो है वो 5'9" है, और आप देख सकते हो कि मेरे दोनों पैर फ्लैट है ज़मीन पर, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोजिशन है मेरे लिए। और इसके जो पेग्स है ये ज़्यादा रेयर सेट नहीं है और ज़्यादा आगे सेट भी नहीं है, ये एकदम परफेक्ट राइडिंग पोजीशन बन जाता है जब भी आप रोड पे भी चल रहे हो और ट्रैक पे चलते टाइम आप थोड़ा सा पीछे हो के आराम से झुक सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा राइडिंग पोजीशन मिल जाता है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको बता दूँ, ये 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, और जो कि काफ़ी अच्छा है, आप थोड़ा बहुत सॉफ्ट रोडिंग ज़रूर कर सकते हैं, बट इसका सस्पेंशन जो सेटअप है वो सॉफ्ट रोडिंग के लिए नहीं बना है, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप ख़राब रास्तों पे इसे ना ही चलाए तो बेहतर होगा। अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल लेंथ है 2065mm, ओवरऑल विड्थ है 775mm, हाइट है 1085mm, और व्हील बेस है 1405mm का। इसका जो ओवरऑल वेट है 166kg है, तो ये बहुत ही हैवी बाइक नहीं है, आपको इसे सिटी में मनूवर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप अगर जब बाइक बंद भी है उसको आगे पीछे आप आराम से कर सकते हो एक सीटेड पोजीशन में भी। अब इसकी सीट की अगर बात की जाए तो राइडर सीट जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसका जो कुशनिंग है वो भी बहुत अच्छा है, और आपको बिल्कुल भी कोई पेन नहीं होगा आपके बैक में या आपके बैक साइड में जब आप इस सीट पे बैठे हो। और अगर आप देखेंगे ये पीछे की तरफ बहुत वाइड है, इसका कारण ये है कि जब आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो आप साइड टू साइड अच्छे से स्कूट कर सको, अच्छे से मूवमेंट कर सको, इसलिए ये वाइडर सीट दिया गया है, और ये अच्छी ग्रिप भी प्रदान करता है। अगर पिलियन सीट की बात की जाए तो ये लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल नहीं बनी है, आप पिलियन को ज़रूर ले जा सकते हैं, इसके लिए उनको होल्ड ऑन करने के लिए ग्रैब हैंडल दिए गए हैं, बट लॉन्गर राइड्स के लिए ये बिल्कुल नहीं बनी है। अगर इसका शेप आप देखेंगे तो ये पीछे की तरफ एकदम नैरो है और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होंगी। इसका कुशनिंग भी थोड़ा स्टिफ है और थिक बिल्कुल नहीं है, जिसके वजह से पिलियन राइडर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा। एक 25-30 किलोमीटर की राइड के लिए ये सीट ठीक है, बट उसके बाद पिलियन को बैक में ज़रूर दर्द होगा, और लॉन्ग राइड्स पे हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप पिलियन को इस बाइक पे लेके जाएं।
लॉन्ग राइड्स की अगर बात की जाए तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी और एवरेज माइलेज की भी बात कर लेते हैं। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 17.4 लीटर्स, जो कि बहुत बड़ा फ्यूल टैंक नहीं है, क्योंकि इसका जो एवरेज है, जितना पावर ये निकालती है, जितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से इसका फ्यूल माइलेज जो है ये काफ़ी कम है। ट्रायंफ ने क्लेम किया है कि 19.2 kmpl का एवरेज आपको मिल जाएगा, बट हमारी टेस्टिंग में हमको सिटी में 12 से 13 और हाईवे पे 16 से 17 का एवरेज मिल रहा था। तो आप सेफली कह सकते हैं कि आपको 14 से 15 के बीच का एवरेज इस बाइक पे मिल जाएगा, जो कि आपको एक टैंक रेंज देता है अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास, जो कि एक बहुत बढ़िया टैंक रेंज नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एंड्योरेंस राइडर हो, आप लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर करते हो बड़ी तेज़ी से, आपको फ्यूल स्टॉप्स के लिए ज़्यादा रुकना पड़ेगा, जो कि एक खामी है इस बाइक की। और ये बाइक एक्चुअली बनी नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए, क्योंकि आप हाई स्पीड राइडिंग कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसका विंड ब्लास्ट जो है 110-120 के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा, आपको गर्दन में पेन हो सकता है। सो लॉन्ग राइड्स के लिए हम ये बाइक को रेकमेंड नहीं करेंगे, बट सिटी के लिए और अगर आपके ऑफिस कम्यूट्स के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बेहतर बाइक है, क्योंकि सिटी में इसका जो इंजन है ये काफ़ी स्मूथ है। इनफैक्ट आप हायर गियर्स पे लोअर स्पीड पे चल सकते हैं। हमारी टेस्टिंग में हमने ये भी देखा कि तीसरे गियर पे ये आराम से स्टॉप्ड स्टेट से मूविंग स्टेट में जा सकती है। अगर आप सिग्नल पे रुके हो तीसरे गियर में, और तीसरे गियर से ही आप बाइक को उठा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सिर्फ थ्रॉटल का थोड़ा ट्विस्ट देने से आपको अच्छा खासा पावर डिलीवरी भी मिल जाएगा। अब इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जो कि इस बटन को यहाँ पे दबाने से आप चेंज कर सकते हैं। ये इसमें आपको मिलता है रोड मोड, जिस बाइक में अभी ये कॉन्फ़िगर्ड है, उसके अलावा आपको मिलता है स्पोर्ट मोड, जो पावर डिलीवरी है उसको ज़्यादा जल्दी लाती है। फिर इसमें आता है ट्रैक मोड, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, ये इनकी सेटिंग्स चेंज हो जाती है अपने आप। और राइडर कॉन्फ़िगरेबल मोड जो है, इसमें आप सेटिंग्स चेंज करके आपके हिसाब से सारे सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप होम बटन अगर दबा के जाएंगे तो यहाँ पे आप राइडिंग मोड्स में जाके अगर आप राइडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ABS, इंजन मैपिंग और ट्रैक्शन कंट्रोल का सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये और भी बेटर हो सकता था, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको मिल जाता है इंजन टेम्परेचर गेज, और एक फ्यूल गेज मिल जाता है यहाँ पे, टैकोमीटर ये इन दोनों तरफ आती है, और यहाँ पे आपको टैको का रीडआउट भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको मिलता है स्पीड इंडिकेटर और एक गियर पोजीशन इंडिकेटर। ये जो आइकन्स यहाँ बनाई गई है, इसमें आपको पता चलेगा कि आप कौन सी राइडिंग मोड में हैं। यहाँ पे आपको राइट और लेफ्ट साइड में टेल लाइट्स मिल जाती है। उसके अलावा आपको ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी भी है, जिसमें आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं आपके हेलमेट की जो ऑडियो सेटअप है उसके साथ, और उसके अलावा ये डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं, जो स्क्रीन का लेआउट है इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको लैप टाइम, RPM, जिस तरह से आप चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं। आपको GoPro कनेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप GoPro यूज़ कर रहे थे तो आपको यहाँ पर ये GoPro अगर रिकॉर्ड कर रहा है उसका स्टेटस आपको दिखा देगा। नेविगेशन भी इसमें मौजूद है, कॉल्स भी आप आंसर और एंड कर सकते हैं ऑनबोर्ड बटन्स को यूज़ करके, और SMS भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड, आपका ट्रिप डिस्टेंस, ये सब की जानकारी भी मिल जाएगी। तो ये बाइक जो है वो उनके लिए है जो कि एक नॉर्मल सिटी कम्यूट चाहते हैं। ये इसका इंजन काफ़ी कैपेबल है, ज़्यादा हीट भी नहीं होता है सिटी ट्रैफिक में। हीट ज़रूर होता है बट ये अनबैरेबल नहीं है, जैसे दूसरों बाइक्स में आपको पैरों में जलने वाली फीलिंग आती है, वो इसमें आपको नहीं आएगी। उसके अलावा काफ़ी रिफाइंड स्मूथ इंजन है, वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। इसके लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए बन जाता है। ये इसको आप सिटी कम्यूट्स में भी, ऑफिस कम्यूट्स के लिए यूज़ करो, और इसको आप थोड़ा बहुत हाईवे राइडिंग कर सकते हो, 250 से 300 किलोमीटर अगर एक दिन में आप कवर करना चाह रहे हैं तो ये बाइक काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर आप ट्रैक पर लेके जाने चाहते तो ये बाइक बहुत ही बेहतरीन है। ट्रैक में ये एकदम परफेक्ट बाइक है ट्रैक के लिए, और जो फन एंथुजियास्टिक राइडिंग जिसे कहते हैं कॉर्नरिंग, अगर आप करना चाहते हो तो ये बाइक आप ज़रूर ख़रीद सकते हैं।
इसका प्राइस है 11.67 लाख एक शोरूम। और अगर आपको इतना दाम नहीं देना है, इसके अलावा इसके नीचे जो एक मॉडल आता है वो जो STT RRR, ये भी आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा से एक 1.5 लाख रुपए कम है उसकी कीमत। उसमें आपको शोवा के सस्पेंशन नहीं मिलेंगे, उसमें आपको पिरेली सुपरकॉर्सा टायर नहीं मिलेंगे, और थोड़ा बहुत इक्विपमेंट आपको नहीं मिलेगा, बट इंजन पावर परफॉर्मेंस वो सारी सेम इसी बाइक जैसी होगी। इनफैक्ट वो बाइक दिखती भी इसके जैसी ही है, अगर थोड़ी बहुत ग्राफिक्स के चेंजेस के साथ। उसके अलावा आप कावासाकी की Z900 या डुकाटी की मॉन्स्टर बाइक्स भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो ट्रायम्फ STT RRR के बारे में। हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये बाइक कैसी लगी, कमेंट्स में कोई भी सवाल हो आपके कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे सवालों का जवाब आपको कमेंट्स में दे दें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मोटरॉइड्स हिंदी चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये खास चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपकी दरख्वास्त पर बनाया गया है, और आपका प्यार जैसे आप हमको मोटरॉइड्स चैनल पर देते आ रहे थे, मोटरॉइड्स हिंदी पे भी वही प्यार आप दर्शाते रहे। मेरा नाम है विपुल, आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।